और लगातार जो हिंसा के आरोपी है पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। ये बड़ी खबर बता दे, कानपुर हिंसा से जुड़ी अपडेट, एक ब्रेकिंग स्टोरी आपको बता रहे। 350 वीडियो अभी तक पुलिस देख चुकी है और भी वीडियो खंगाले जा रहे हैं कि किस किस आरोपी ने क्या क्या काम किया था, किसने पत्थर बरसाए थे। बता जा रहा है ज्यादातर वीडियो में सभी ने मुंह पर रुमाल बांधे हुए थे, जो हिंसा के आरोपी है सभी ने मुंह पर रुमाल बांधे हुए थे। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर से एक और बड़ी खबर आपको यही बता दे कि बेकनगंज में हिंसा के मामले में 4 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये बड़ी खबर, 4 आरोपियों को कोर्ट में पुलिस पेश करने जा रही है, जिसमें मुख्य आरोपी जो जफर हयात जफर समेत 4 आरोपियों की पेशी होगी। पुलिस आरोपियों की मांगेगी कस्टडी रिमांड। ये आपको बड़ी खबर बता दें, कानपुर हिंसा से ही जुड़ी। बरामद दस्तावेज खोलेंगे हिंसा की साजिश का राज। हयात के मोबाइल की चैटिंग भी खोली जाएगी और उसमें पता चलेगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। तो पुलिस आपको बता दे कि 4 आरोपियों को आज कोर्ट पेश करेगी और रिमांड ली जाएगी।